Hey YouTube, in this session, we are going to study the Verignon's theorem, its application, and then finally, we will solve a numerical based on the topic of Verignon's theorem. So let's begin. Now, according to Verignon's theorem, the total moment generated by all the forces in a system is equal to the moment generated by the resultant of that system. Now, before understanding the Verignon's theorem, we need to clear some basic concepts. और उस concept को समझाने के लिए मैं एक example लेता हूँ. Suppose मेरे पास एक surface है जिस पे कुछ forces act कर रही हैं, F1, F2 and F3. अब ये सारी forces मिलकर एक parallel coplanar force system बना रही हैं. Parallel क्यों? क्योंकि ये सारी forces आपस में parallel हैं. कोप्लेनर क्यों? क्योंकि सारी फोर्सेस एक प्लेन में लाई करने वाली हैं. अब क्योंकि ये सारी फोर्सेस वर्टिकल हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक वर्टिकल फोर्स होगा. उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपली इन वर्टिकल फोर्सेस को ऐड कर लेंगे. तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस. अब इन वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करते टाइम हम हमारा साइन कन्वेंशन याद रखेंगे जिसमें हमने अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव कंसिडर किया था. तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन F2 विल बी पॉजिटिव, F3 विल बी पॉजिटिव एंड F1 विल बी नेगेटिव. तो इनका जो समेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा. नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स. अभी जो रिजल्टेंट हमने फाइंड किया है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अब जितना इफेक्ट ये सारी फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पर प्रोड्यूस कर रही थी उतना इफेक्ट अकेला ये एक रिजल्टेंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर प्रोड्यूस करेगा. मतलब हम इन सारी फोर्सेस को रिप्लेस कर सकते हैं उसके इस रिजल्टेंट से. अब हमें इतना तो पता चल गया कि हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, बट एक कौन से डिस्टेंस पे लाई करेगा उसको कैसे फाइंड करेंगे? इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम. नाउ अकॉर्डिंग टू वेरिग्नॉन्स थ्योरम द टोटल मूवमेंट जनरेटेड बाय ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम इज इक्वल टू द मूवमेंट जनरेटेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ दैट सिस्टम. इसका मतलब ये सारी फोर्सेस जितना मूवमेंट क्रिएट करेंगी उतना ही सेम मूवमेंट ये अकेली रिजल्टेंट फोर्स इस सिस्टम पे जनरेट करेगी. अब इस एक्सप्रेशन में ये जो टर्म डी है यही डिस्टेंस है ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए. हमें पता है कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं. सो ऑन डूइंग सिंपल मैथमेटिक्स हमको ये डिस्टेंस डी मिल जाएगा. अब इस वेरिग्नॉन थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. So a 30 newton force is acting at point A in downward direction, 80 newton force is acting at point B in upper direction, 20 newton force is acting at point C in upper direction. What will be the resultant force and what distance will it act if point B and C are at 20 meter and 40 meter from point A? Ye point B hai at a distance of 20 meter from point A. और ये पॉइंट सी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए. सो दिस इज अ न्यूमेरिकल. इसमें हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है और वो कौन से डिस्टेंस पे लाई करेगा वो भी फाइंड करना है. अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग द वेरिग्नॉन थ्योरम. नाउ इन वेरिग्नॉन थ्योरम सबसे पहले हम ये रिजल्टेंट फोर्स आर फाइंड करेंगे क्योंकि सबसे इजी स्टेप है ये. हमने पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट फोर्स आर होती है दैट इज गिवन बाय द समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस. नाउ व्हाइल डूइंग द समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस वी विल कंसीडर अपवर्ड फोर्स एज पॉजिटिव. तो यहाँ पे मेरी 80 न्यूटन फोर्स पॉजिटिव है, 20 न्यूटन फोर्स पॉजिटिव है और 30 न्यूटन फोर्स नेगेटिव है. तो इसको हम यहाँ लिख देंगे. नाउ ऑन सॉल्विंग हमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मिल जाएगी एज पॉजिटिव 70 न्यूटन. अब क्योंकि ये फोर्स पॉजिटिव है इसको मैं अपवर्ड फोर्स भी कह सकता हूँ. तो जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है
वो 70 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन एक्ट करने वाली है। अब हमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो मिल गया, जो कि था 70 न्यूटन। अब स्टेप टू पे बढ़ते हैं, जो कि है फाइंडिंग द मोमेंट। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हाउ वी कैन फाइंड अ मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सो अ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। नाउ लेट्स फाइंड द नेट मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अभी 80 न्यूटन फोर्स इस पॉइंट ए के अबाउट एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रही है, और हमने हमारे साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। वैसे ही ये 20 न्यूटन फोर्स इस पॉइंट ए के अबाउट एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रही है, और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसके लिए इसको भी हम पॉजिटिव मोमेंट कंसिडर करेंगे। सो द नेट मोमेंट ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू 80 टाइम्स 20 प्लस 20 टाइम्स 40। 80 क्योंकि फोर्स 80 न्यूटन है, 20 क्योंकि एट अ डिस्टेंस 20 मीटर पर एक्ट कर रही है, वैसे ही ये फोर्स 20 न्यूटन एक डिस्टेंस 40 मीटर पर एक्ट कर रही है, और क्योंकि ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं इसके लिए दोनों पॉजिटिव मोमेंट। इसको सॉल्व करने पे हमें जो नेट मोमेंट है वो मिलेगा एज पॉजिटिव 2400 न्यूटन मीटर। अब क्योंकि जो नेट मोमेंट है ये पॉजिटिव मोमेंट है, इसके लिए जो हमारा नेट मोमेंट होगा वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इस तरह हमें हमारा नेट मोमेंट भी मिल गया, जो कि था पॉजिटिव 2400 न्यूटन मीटर। अब इस एक्सप्रेशन में हमें आर पता है, मोमेंट पता है। नाउ डूइंग सिंपल मैथमेटिक्स वी कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस डी, विच विल कम एज डी इज इक्वल्स टू 34.28 मीटर। तो इस तरह हमें हमारी रिजल्टेंट फोर्स जो कि 70 न्यूटन थी, that will be acting at a distance of 34.28 meter from the point A. तो इस तरह हमने देखा कि हम Verignon's theorem यूज करके कैसे एक resultant force का distance find करते हैं from any given point, और हमने एक numerical भी solve किया। तो अगर आपको ये video पसंद आया हो so do like, share and subscribe. Thank you.